नीट 2024 के बाद से एक बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है और इसमें चीटिंग के आरोप और क्वेश्चन पेपर लीक के शक भी शामिल हैं, जो इस परीक्षा के ईमानदारी को खतरे में डाल रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को भी इसमें शामिल होने का आरोप है। नीट 2024 के आसपास एक मुख्य मुद्दे में से एक है ग्रेस मार्क्स का विवाद। नीट यज्ञ 2024 के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने एग्जाम टाइम में नुकसान होने की शिकायत की, जिसके जवाब में NTA ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। इस निर्णय ने कुछ उम्मीदवारों को 718 या 719 के स्कोर्स प्राप्त करने की अनुमति दी, जो नीट मार्किंग स्कीम के मामले में अटिपिकल है। इस तेजी से बढ़ने वाले अंकों ने पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठा दिया है। नीट 2024 के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप में से एक चीटिंग स्कीम के आरोप हैं। परशुराम रॉय, एक शिक्षा सलाहकार, और तुषार भट्ट, एक स्कूल टीचर, गुजरात के कुछ विद्यार्थियों के साथ अलेजेडली बेड़े रकम की रिश्वत देकर एग्जाम को फ्रॉडुलेंटली क्लियर करने के इल्जाम में शामिल हैं। इस स्कैंडल ने सिर्फ इन शख्सियत के आदर्शों पर सवाल उठाया है, बल्कि यह भी संकेत करता है कि परीक्षा के सुरक्षा नियम उनमें सिस्टेमिक खोटे हो सकते हैं। बावजूद इस अप्रोर के, NTA ने किसी भी क्वेश्चन पेपर लीक की खबरों को सख्त नजरअंदाज किया है, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है। मगर हरियाणा के एक सेंटर से कई विद्यार्थियों के एक ही मार्क्स और एक साथ रोल नंबर सीरीज में आने की अनुसूल घटना ने संभावित कोऑर्डिनेटेड चीटिंग या परीक्षा के प्रक्रिया में ब्रीच होने की शक की तरफ इशारा किया है। इन कंट्रोवर्सीज के दौरान खास करके 650 से अधिक अंकों वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के मामले में चिंता बनी हुई है। माता पिता और उम्मीदवार दोनों NTA से साफ सुथरी जानकारी और परस्परता मांग रहे हैं, ताकि नीट 2024 के ईमानदारी में पुनः विश्वास स्थापित हो सके। इस मुद्दे पर NTA द्वारा समर्थन की कमी से प्रभावित समुदाय में आशंका और शक को और भी गहरा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के मामले में NTA को नोटिस दिया है और परीक्षा की ईमानदारी को बचने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है। एक पिटीशन के जवाब में सेंट्रल सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के खिलाफ आपत्ति प्रदर्शन पर न्यायालय ने चिंतित होकर उनकी दिशा निर्धारित की है। न्यायालय ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया है कि क्या चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के ईमानदारपन को खतरे में डाल दिया गया है। यह फैसला 8 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है, जब एक तथाकथित नीट उम्मीदवार ने पिटीशन की है। Petitioners seek Supreme Court intervention to cancel and reconduct the NEET UG exam, opposing NTA's award of extra marks to 1,600 students. Students and parents are becoming increasingly dissatisfied with this year's medical entrance exam. NEET 2024 scores of 718 and 719 versus 720 have sparked controversy, partly due to NTA's grace marks.